हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। आईपीएल के 13वें सीजन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट का आगाज चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच पहले मैच से होगा, जो 19 सितंबर को अबुधाबी में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम टूर्नामेंट का पहला मैच किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 20 सितंबर को दुबई में खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के साथ अपना पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को खेलेगी। आईपीएल का आगाज होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कोच रिकी पोंटिंग ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है। क्या कहा है रिकी पोंटिंग ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रिकी पोंटिंग ने कप्तान रोहित शर्मा को डेंजर मैन बताया है। जब उनसे यह पूछा गया कि मुंबई इंडियंस का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस सीजन में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। वह दुनिया में T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर आईपीएल, उनकी परफॉर्मेंस शानदार होती है। बता दें कि 2013 में मुंबई की कप्तानी संभालने के बाद टीम 4 आईपीएल खिताब जीत चुकी है। आईपीएल की बेस्ट टीम बनाने में रोहित शर्मा का अहम योगदान है। पोंटी ने कहा है, रोहित अपने करियर के सबसे शानदार चरण से गुजर रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा। इससे पहले रोहित ने भी रिकी पोंटिंग की भी मुंबई इंडियंस के कोच के रूप में तारीफ की थी। उधर पाकिस्तान के लीजेंड जाहिर अब्बास ने भी रोहित शर्मा को क्लासिक प्लेयर बताया था। आईपीएल में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।